प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सरकार ने एक बार फिर डेटा चुरा रहे चाइनीज ऐप्स पर नकेल कसी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 54 ऐसे ऐप्स को बैन किया है जो यूजर्स का डेटा चीनी सर्वर पर भेज रहे थे या संदिग्ध सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। इसमें बहुत से ऐसे ऐप्स भी हैं जिन्हें पहले भी बैन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने उन ऐप्स को भी बैन किया है जो पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे। इसका मतलब ये कि ऐप्स नाम बदलकर वापस भारत में रिलॉन्च कर दिए गए थे। इनमें से ज़्यादातर ऐप या तो संदिग्ध सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे या वे बिना यूजर्स की जानकारी के उनका डेटा चीन भेज रहे थे। बैन किए गए ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा लिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ ऐप्स अब भी यूजर्स के फ़ोन पर काम कर रहे हैं, यानी जिन लोगों ने पहले से इन ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है ये उनके फ़ोन पर एक्टिव हैं। जानकारी के अनुसार जल्द ही बैन किए गए ऐप्स की एक लिस्ट जारी की जाएगी। फिलहाल न्यूज एजेंसी ANI ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार सरकार ने जिन 54 चीनी ऐप्स को बैन किया है उसमें स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बास बूस्टर, कैमकार्ड फॉर सेल्स फोर्स एंटरटेनमेंट, आइसोलैंड 2, वाइवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट जेवियर सहित कई ऐप्स शामिल हैं। सरकार ने 54 ऐप्स को बैन किया है। बता दें कि साल 2022 में यह पहला मौका है जब सरकार ने चीनी ऐप्स पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। इससे पहले साल 2020 में सरकार ने 270 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन किया था। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।